विधानसभा उपचुनाव के लिए आज से नामांकन पत्र जमा होंगे। 21 जून तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। 26 तक नाम वापसी होगी। 10 जुलाई को मतदान होगा। 13 जुलाई को मतगणना होगी। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस से एक दो दिन में अपना नाम घोषित करेगी। प्रत्याशी चयन के लिए कांग्रेस नेताओं की रायशुमारी, संभावित प्रत्याशियों को लेकर जमीनी फीडबैक लिया गया है। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, पूर्व विधायक सुनील जायसवाल को प्रभारी बनाया है। प्रत्याशी को लेकर प्रदेश संगठन को नाम सुझाएंगे। इसके आधार पर प्रदेश कांग्रेस द्वारा केंद्रीय संगठन को नाम प्रस्तावित किए जाएंगे। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस की टिकट पर 3 बार जीते अब कमलेश शाह होंगे बीजेपी के प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए तो कमलेश शाह बीजेपी की ओर से ही उपचुनाव लड़ने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और अब बीजेपी ने विधानसभा का उपचुनाव लड़ने का मौका इनको दिया है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं जिसको लेकर अब तैयारियां भी जोरों शोरों पर है। नामांकन पत्र दाखिल किए जाने शुरू कर दिए गए हैं। बीजेपी ने जहां अपना प्रत्याशी घोषित किया वहीं कांग्रेस की ओर से अब तक किसी भी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है। किसी भी नेता का प्रत्याशी के रूप में नाम सामने नहीं आया कांग्रेस की ओर से। फिलहाल लगातार मंथन किया जा रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है और उसी के आधार पर इस उपचुनाव में इस विधानसभा सीट से कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। तो किस नेता को प्रत्याशी बनाना है इस पर लगातार मंथन कांग्रेस में चल रहा है। बीजेपी ने जहां अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है वहीं कांग्रेस में लगातार मंथन जारी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कमलेश शाह बीजेपी की ओर से अमरवाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाने में पूरा समय कांग्रेस की ओर से लिया गया उसी तरह उपचुनाव में भी अब कांग्रेस की ओर से अपना समय लिया जा रहा है। लगातार मंथन का दौर कांग्रेस में जारी है और सोच विचार कर पूरा मंथन कर नेताओं को लेकर फीडबैक लेकर सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से घोषित किया जाएगा। तो नामांकन पत्र दाखिल किए जाने शुरू हो गए हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता वैभव गुप्ता मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वैभव, अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर अब नामांकन पत्र दाखिल किए जाने शुरू हो गए। कांग्रेस की ओर से अब तक कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया और बीजेपी की ओर से कमलेश शाह चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। बिल्कुल अंशिका, 3 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से कमलेश शाह, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो बीजेपी में शामिल हो गए थे तो कह सकते हैं कि कांग्रेस के कैंडिडेट तो कमलेश शाह ही थे, लेकिन चूंकि कमलेश शाह ही बीजेपी में आ गए हैं तो कांग्रेस को नए सिरे से मशक्कत करनी पड़ रही है प्रत्याशी चयन के लिए। पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो जमीनी स्तर पर जाएं, नेताओं से बातचीत करें। ऐसा भी माना जा रहा था कि जो दूसरी, क्योंकि वो आदिवासी बहुल बेल्ट है अमरवाड़ा, तो गुम्पा गणतंत्र जो पार्टी है उसके जो नेता हैं उसको कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ाई जाने की बात वहां पर की जा रही थी। ये जो दोनों बड़े नेता पहुंचे थे कांग्रेस के अमरवाड़ा, उन्होंने बातचीत भी की थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही जो कांग्रेस के युवा अध्यक्ष हैं और कह सकते हैं कि जिला पंचायत सदस्य भी हैं नवीन, उनसे भी बातचीत की जा रही है, चंपालाल से भी बातचीत की जा रही है, लेकिन अभी तक नाम चयन नहीं हो पाया है।
हालांकि चाहे सुखदेव पासे की बात की जाए, जायसवाल की बात की जाए, ये दोनों जमीनी स्तर पर जाएंगे, किसी एक नाम को फाइनल करेंगे, उसे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो अधिकृत घोषणा होने से पहले वहां पर कमलनाथ से जरूर पूछा जाएगा कि कौन बेहतर प्रत्याशी अमरवाड़ा से हो सकता है और कमलेश शाह को कौन वहां से हरा सकता है। जब अंशिका को थोड़ा पीछे भी जाना होगा, लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आ रहे थे, जब नकुलनाथ हारे थे, तब हारने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली जा रहा हूं अपना बुढ़िया बिस्तर लेने और फिर मैं आकर यहीं रहूंगा और अमरवाड़ा सीट को अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता जिता देते हैं तो मैं मानूंगा कि वहां के कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। तो बेहद दिलचस्प हो गया, आज से नामांकन फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाएगी। बीजेपी ने कल रात ही कमलेश शाह को अपना अधिकृत प्रत्याशी बना दिया, क्योंकि बीजेपी को ज्यादा मशक्कत करनी ही नहीं थी। लोकसभा चुनावों के जब कमलेश शाह ने बीजेपी का दामन थामा था, तब से ही स्पष्ट हो गया था अंशिका कि कमलेश शाह ही बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। कांग्रेस को वहां मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि प्रत्याशी कांग्रेस के पास नहीं है और कांग्रेस चाहती है कि कमलेश शाह के सामने चुनावी मैदान में मजबूत प्रत्याशी को उतारा जाए। तो अब कांग्रेस 1 से 2 दिन में ये तय कर देगी कौन वहां से उनका अधिकृत प्रत्याशी होगा। 10 जुलाई को मतदान होना, 13 जुलाई को अमरवाड़ा विधानसभा का जो चुनाव होगा उसका परिणाम आ जाएगा। बिल्कुल, क्या वैभव, इस सीट से कांग्रेस की ओर से कई दावेदार भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या उनको लेकर भी मंथन किया जा रहा है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि फीडबैक नेताओं को लेकर लिया जा रहा है। आप भी बता रहे हैं कि 1 से 2 दिन में कांग्रेस जो है अपना मंथन लगातार करती रहेगी और 1 से 2 दिन में ये फैसला होगा कि किस नेता को यहाँ से प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। क्या दावेदारों के नाम भी इसमें सामने आए हैं? अंशिका, चुनाव लड़ने के लिए दावेदारों की कभी कोई भी पार्टी को कमी नहीं होती, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि जो दावेदारी कर रहा है चुनाव लड़ने के लिए कि क्या वो पार्टी को जिता भी पाएगा। क्योंकि अगर सभी जो भी कार्यकर्ता होते हैं, जो भी पार्टी के लिए काम करते हैं, हर किसी का सपना भी ये होता है कि एक ना एक दिन पार्टी उनको, चाहे चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, कोई से भी चुनाव में पार्टी हमको टिकट दे और हमको आगे बढ़ाए। तो दावेदारों की कमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि आदिवासी बहुल बेल्ट है, कोई बड़ा आदिवासी चेहरा कमलेश शाह के सामने उतारा जाए ताकि उनको चुनौती मिल सके। चलिए ठीक है वैभव, आप बने रहिएगा।